हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। फिर से स्वागत है नया वीडियोस में। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी सस्ता हो गया, इसीलिए बहुत सारे नया कस्टमर्स नेटफ्लिक्स अकाउंट यूज़ करने लग गया। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि यार एक बार अगर मैं अपना पेमेंट सिस्टम उसमें ऐड कर दूंगा, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो या यूपीआई का पेमेंट सिस्टम हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर महीने मेरा अकाउंट से पैसे कट जाएगा, जो भी वो प्लान लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ऐसे नहीं है। आप चाहो तो नेटफ्लिक्स के अकाउंट एक महीने के लिए भी यूज कर सकते हो, दो महीने के लिए भी यूज कर सकते हो, एज पर योर चॉइस। और जब मर्जी उसको कैंसिल कर सकते हो, जब मर्जी उसको आप रिस्टार्ट कर सकते हो। उसमें एक ऑप्शन है कि मान के चलो कि आज की डेट में एक महीने के लिए आपने एक प्लान ले लिया, और जैसे आपका प्लान एक्टिवेट हो गया एक महीने के लिए, आप अगले दो मिनट के बाद उसको कैंसिल कर सकते हो, और अगले महीने जिस दिन ये खत्म होना था अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये रेन्यू नहीं होगा। आई मीन टू अपना पेमेंट आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा, चाहे आप यूपीआई के थ्रू से पेमेंट करो या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से। तो आज के वीडियोस में मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि आप अपना कैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप कैसे कैंसिल कर सकते हो या कैसे रिस्टार्ट कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस, क्योंकि मैंने एक वीडियोस बनाया था कि नेटफ्लिक्स में कैसे मेंबरशिप लेना है। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया कि ये भी बता दो कि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन कैसे कैंसिल करना है। ओके, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा मोबाइल में कैसे कैंसिल करना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड या हाउ टू रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं, शायद आपके कभी काम में आ जाएगा। ओके, चलिए वीडियोस को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया। जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लिया, आप भी अपना नेटफ्लिक्स का जो एप्लीकेशन है उसको ऑन कर लो। जैसे ऑन कर लोगे, मैं इसमें लॉगिन कर रखा है। लॉगिन करने के बाद मैंने अपना अकाउंट ओपन कर लिया। कुछ इंटरफेस ऐसे ही दिखेगा, आप भी अपने हिसाब से देख लेना, आपके भी ऐसे ही दिखेगा। फिर ऊपर जो एकदम राइट साइड में बटन है, वहां पे नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो अकाउंट सेटिंग। नीचे जैसे हो गए अकाउंट में, मैंने क्लिक किया। अकाउंट में क्लिक करने के बाद सारे आपके अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, कौन सा पेमेंट किया था, कौन सा ईमेल आईडी से। फिर नीचे आ रहा है कैंसिल मेंबरशिप, यहाँ पे सारी चीज है। जैसे कैंसिल मेंबरशिप के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको ऑप्शंस ये दिख जाएगा कि आपके नेक्स्ट कब क्लिक मतलब ये खत्म हो रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे आपके 17 जनवरी 2022 को मेरा ये कैंसिलेशन हो जाएगा। इट मीन्स आप चाहो तो अपना जो अपना सब्सक्रिप्शन है 17 जनवरी के बाद इसको रिस्टार्ट कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। फॉर नाउ अभी इसको रिस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर लगता है कि एक महीने के लिए या किसी एक दो मूवीज देखने के लिए या सीरीज देखने के लिए अपने सब्सक्रिप्शन को ऐड किया था, तो आप इसको फिनिश कर सकते हो। फिर जब मन करे आप इसको फिर इसको रिस्टार्ट कर सकते हो। फॉर नाउ मैं इसको फिनिश करता हूँ। फिनिश कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। मैं फिनिश कैंसिलेशन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक कर दिया, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आता है कि क्या रीजन क्या है, कि किस लिए मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ। काफी सारे ऑप्शन है, आप चाहो तो कुछ भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके नीचे डन कर सकते हो। जैसे ही डन करोगे आपके प्लान डीएक्टिवेटेड हो जाएगा। ओके, आई मीन हो गया। जैसे मैंने आपको नीचे दिखा रहा हूं, मैं स्क्रॉल अप करके नीचे आपको दिखाएगा रिस्टार्ट मेंबरशिप। ओके, यहां से आपका सिंपली आपके मेंबरशिप कैंसिल हो गया या सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गया, और जब मर्जी इसको आप दोबारा रिस्टार्ट के ऊपर करके आप इसको दोबारा रिस्टार्ट कर सकते हो, और जब मर्जी इसको फिनिश कैंसिलेशन कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट इजिली यूज कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली इस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स के मेंबरशिप या जो सब्सक्रिप्शन है आप किसी भी टाइम कैसे कैंसिल कर सकते हो या किसी भी टाइम उसको कैसे रीएक्टिव या रिस्टार्ट कर सकते हो। ओके, आई होप वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और वीडियोस में क्या कमी है या क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरी है कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपके हर कमेंट में पढ़ते रहता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी। नमस्ते।